हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे गाइस कि हम अपने फ़ोन में ऑटो रोटेट स्क्रीन को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो हम पे जाएंगे पहले सेटिंग पर। तो अपनी सेटिंग में जैसे ओपन कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो आप गाइस यहाँ देख सकते, जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे ऐप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो अपने वैसे अपने एक ऐप को जैसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में नीचे आते हैं, यहाँ जैसे जैसे यहाँ लिखा है सेटिंग्स, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ जैसे जैसे हमारी सेटिंग्स है, ये हमारी हो चुकी है ओपन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे कितने सारे टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है। तो अपने वैसे अपने एक टॉपिक को जैसे कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे में नीचे आते हैं, यहाँ जैसे जैसे यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है हमारा डिस्प्ले विस ब्राइनेस्ट, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप गाइस यहाँ जिसमें जैसे डिस्प्ले है, ये हमारे अच्छा हमने जैसे यहाँ देखा है, जैसे हमारा ऑटो रीड स्क्रीन, ठीक है। इसे हम ऑन कर देते हैं। जैसे हम अपने ऑटो रीड स्क्रीन को हम ऑन कर देंगे, जिससे ये होगा गाइस, जैसे हमारा फ़ोन हमारा रोटेट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे जैसे फ़ोन जैसे हम अपने फ़ोन में वीडियो देखते हैं, तो हमारा फ़ोन अपने आप रोटेट होना जाता है, ठीक है, एक तरफ से, ठीक है। अब जैसे हमारा फ़ोन रोटेट होना जाता है, तो अगर जैसे गाइस अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो हमारा वो फ़ोन रोटेट नहीं होगा, ठीक है। अगर इसे ऑन ऑन कर देंगे, इसे हम कर देते हैं ऑन, तो अब गाइस यहाँ जैसे जैसे हमारा ऑटो रोटेट स्क्रीन है, ये हमारा हो चुका है ऑन। और हमारी वीडियो यहीं तो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।